Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. पिछले दिनों माही में 4 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। हमारी एक सबसे अहम मांग ये है कि माहिम एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां हर समाज के लोगों का एक जुड़ाव है। सेंट माइकल चर्च है, शीतला देवी टेम्पल है, मखदूम बाबा का आस्थाना है, ये इतने बड़े धार्मिक स्थल है। हम ये चाहते हैं कि इसको जो जितने ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं उनको इससे पाक किया जाए। आप देखते हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है एक दिन के लिए या कुछ दिन के लिए यहाँ से उन ड्रग्स एडिक्ट लोगों को हटा दिया जाता है, लेकिन फिर 2 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। मेरी हमारे पुलिस विभाग वालों से हाथ जोड़ के विनती है, एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है कि इस हमारे समाज को पाक करने के लिए आप ये जितने भी ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं उनको माहिम और जितने भी धार्मिक स्थल है उन सब से इनको पाक किया जाए, उनको हटाया जाए, उनके उन रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए और यहाँ पे बिल्कुल पाबंदी लगाया जाए कि कोई इस किस्म के बैगर्स जो ड्रग्स एडिक्ट हैं उनको एंट्री यहाँ बिल्कुल नहीं दी जाए। मैं एडवोकेट दीपक तलवार हूँ। ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन ने आज जो ये मार्च लिया है, ये पीस मार्च, ये कॉज के लिया गया है। ये माहिम का कॉज है, ये देश का कॉज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट बेटी किस तरह बचना चाहिए ये हमारे पास आज तक कोई ऐसा एक ठोस प्रोग्राम नहीं है और उसकी वजह से ये हादसा हुई। हादसा होने के बाद ये खास करके माहिम में जो ड्रग पेडलर्स है, ड्रग एडिक्ट्स है, इनके वजह से ये होते आया है और इसको रोकने के लिए आज हम सभी स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ से, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, ये आने वाले कल के बच्चों के लिए है, इनका फ्यूचर जो डिपेंड हो रहा है इसके लिए हम लोग एक साथ आकर आज हमें प्रोटेस्ट लिए। प्रोटेस्ट में बाधाएं भी बहुत आई, हमें रोकने की कोशिश की गई, बट अगर मन में पूरा विश्वास है तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और कल के हिंदुस्तान के लिए हम साथ होकर एक बनकर हम लड़ते रहेंगे। हमारे लिए नहीं बट देश के लिए हरदम लड़ते रहेंगे। का जो पीस मार्च हम लोग ने 6 दिन पहले हम लोग ने पुलिस को इंटीमेशन किए थे, बट इसके बावजूद जो कल का हादसा हुआ ये शर्मनाक हादसा नहीं, ये मन को लगने वाली हादसा थी। इतने जवान जब मारे जाते हैं तो पूरा देश हिला है, पूरा धरती कांप उठी है और इसके लिए हमारा पीस मार्च शुरुआत करने के पहले हमने इसी जगह पर एक रीत पेश करके उस बहादुर जवानों को पहले सलामी दे के राष्ट्रगीत गा के ये हमारे मार्च शुरू किए और इस देश के लिए इन्होंने जो शहादत दी है वो कभी हम भूल नहीं पाए, और वो भी 14 तारीख को जिसे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। किसी एक महापुरुष ने अपनी जान उस दिन गंवाई, आज इन 42 शहादत दिए हुए जवानों का खून शायद किसी न तो किसी के हाथों में जरूर है और उसको जवाब देना ही पड़ेगा। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you...